अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, तो वो कैसा है कि ये इसमें मैट्रिक्स आए हुए हैं, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है और इस पर ऑपरेशन है। क्वेश्चन तो इसमें ज़्यादा है लेकिन उसमें से मैंने जो मेन मेन ऑपरेशंस वाले वो निकाले हैं। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा और ये क्वेश्चन नंबर 3। हम तीनों सॉल्व करेंगे कि ये कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन ये वाला उठा लेते हैं जी, ए प्लस सी एंड इज इक्वल टू सी प्लस ए। यानी वो कहते हैं कि अगर हम ए को सी के साथ प्लस करें तो जो रिज़ल्ट आएगा वैसा ही रिज़ल्ट इक्वल होगा सी प्लस ए का। यानी मतलब मैट्रिक्स में सिंपल काउंटिंग में तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, अगर हम 4+5 कर लें या हम 5+4 कर लें तो दोनों का आंसर आता है 9। लेकिन मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर हम किसी को पहले लिख देंगे तो जाहिर है कि उसके रोज़ कॉलम का इशू है, अगर उसको हम बाद में करेंगे तो उसकी वही वाली एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। लेकिन हम इसे सॉल्व करके देखते हैं एडिशन में आया कोई चेंज आता है या नहीं, यानी एडिटिव जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनकी है उसमें देखते हैं कि मैट्रिक्स में आया ये चेंज है कि नहीं। इसे सॉल्व करके देखते हैं। इसमें चूंकि इक्वल आ गया, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट है, हमें टू साइड्स को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो वो कैसे जी, ए हम बोलेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू है ए प्लस सी। अब हम सबसे पहले ए प्लस सी ही सॉल्व करेंगे, पहले हम ए लिखेंगे फिर प्लस और सी। ए क्या है जी, हमारे पास ये ए है 1, 2, 1, 2, 3, -1, 3, 1, 0 और फिर बी सी, सी हमारे पास ये है -1, 0, 1, 0, -2, 1 एंड 0, 3 एंड 2। ये जो दोनों को हमें करना है ऐड, ऐड करते हैं जी। ऐड का तरीका वही जो हमने अभी रिसेंट किया, वो है जी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ प्लस करना है, यानी 1 ये प्लस है जी, -1, 2+0 और 3+0। इसका 1 नीचे बाजे सेकंड रो पे तो 2+0 और फिर 3+-2 और 1+3 आगे जी 1+1, 1+1, -1+1 एंड 0+2। ये जी है 3 एंट्रीज के हिसाब से 3x3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स हैं, इनको हमने ऐड करके ये साइन के ले लिए। अब ये आ गया हमारे पास, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1-1 ये 2 ये 2 और ये 2+0 2 आ गया और 3-2 आ गया और ये 0, ये आ जाएगा 3+0 3 एंड 4 एंड 2। अब जी इसका आंसर निकल आया हमारे पास 1-1 ये हो गया 0, यानी इस तरफ लिख लेते हैं इसको, यानी 0 2 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1 0 3 4 एंड 2। ये जी हमारा ए प्लस सी जो है उसका रिजल्ट ये निकल आया 0 2 2 2 1 0 और 3 4 2। ये जी हमारा ए प्लस सी है। अब हम जो है ना दूसरा इसका पार्ट कर लेते हैं, इसमें मुझे इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ। अब जी राइट हैंड साइड है जी हमारी सी प्लस ए। तो C प्लस ए जो है पहले हम लिखेंगे C और फिर प्लस और फिर हम लिखेंगे A।
सी क्या है जी? सी यहाँ से हम एंट्रीज लेंगे माइनस वन ज़ीरो वन और फिर ज़ीरो माइनस टू एंड वन और फिर ज़ीरो थ्री एंड टू। अब हम ए करेंगे जी वन टू वन टू थ्री माइनस वन एंड थ्री वन ज़ीरो। अब हम इन्हें प्लस कर देते हैं, प्लस किया तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो प्लस टू ज़ीरो प्लस थ्री ये चीज ज़ीरो प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री और थ्री प्लस वन वन प्लस वन वन प्लस माइनस वन एंड टू प्लस ज़ीरो। ये दीजिए हमारी एंट्रीज। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो इनका सॉल्यूशन सिंपल से ही है कि जी वन और वन आ गया ज़ीरो, या आ गया टू प्लस ज़ीरो टू और वन टू आ गया। इसे टू प्लस ज़ीरो टू आ गया, थ्री एंड टू वन आ गया और वन प्लस माइनस वन इसे शॉर्ट कर लेते हैं जैसे ज़ीरो आ गया और यहाँ आ गया जी थ्री, थ्री प्लस ज़ीरो थ्री आया और थ्री प्लस वन फोर एंड टू। ये दीजिए हमारी राइट हैंड साइड, देखें ज़ीरो टू टू ज़ीरो टू 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 वन ज़ीरो टू वन ज़ीरो थ्री फोर टू थ्री फोर टू। हमने देखा कि राइट लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, दोनों के आंसर हमारे सेम आए, सो वी कैन से द प्रॉपर्टी ए प्लस सी इज इक्वल है सी प्लस ए के। यानी इससे ये जाहिर हुआ कि ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है ये बिल्कुल ठीक है, यानी मैट्रिक्स के अंदर अगर ऑर्डर सेम है तो उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो एप्लीकेबल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट टू पे। इसी का जो पार्ट टू है ए प्लस बी प्लस ए, इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है टू ए एन प्लस बी, टू ए प्लस बी। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो है जी ए प्लस बी प्लस ए। इसमें भी देखें कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो उसमें हमारे पास ऑपरेशन ये आ गया। उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि जब ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स हों तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रेफर करना है स्मॉल ब्रैकेट को ही, तो उसमें बी प्लस ए है, हमें पहले बी प्लस ए को सॉल्व करना है, इनका जो आंसर आएगा उसको हमें फिर ए से ऐड करना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमें टू पार्ट में सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें b प्लस ए ही करना है। वो कैसे जी? अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं b प्लस ए। तो पहले हमने लिखा b और फिर हमने लिखना है a। b है जी 1 2 3 माइनस वन माइनस टू वन वन टू थ्री। अब है जी a, a हमारे पास 1 2 1 टू थ्री माइनस वन थ्री वन ज़ीरो। अब ऐड ऑपरेशन है तो वो कैसे होगा? फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ ऐड, सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ, थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ, यानी माइनस वन प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री प्लस माइनस वन और ये वन प्लस थ्री टू प्लस वन थ्री प्लस ज़ीरो। ये जी एडिशन ऑपरेशन। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है जी वन एंड वन टू फोर फोर माइनस वन प्लस टू यानी वन एंड ज़ीरो ये आ जाएगा फोर थ्री एंड थ्री। ये तो आ गया जी हमारा आंसर बी प्लस ए का। अब इस आंसर को हमने करना है ए से प्लस, तो अब ये कैसे होगा?
कि ए इससे अब कैसे जी, पहले ए एन प्लस ए हमारे पास है वन टू वन टू थ्री माइनस वन थ्री वन जीरो और ये जो आंसर आया टू फोर फोर वन वन जीरो एंड फोर थ्री थ्री। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, वो कैसे जी, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ करें, वन प्लस टू टू प्लस वन थ्री प्लस फोर टू प्लस फोर थ्री प्लस वन एंड वन प्लस थ्री वन प्लस फोर माइनस वन प्लस ज़ीरो एंड ज़ीरो प्लस थ्री। ये है जी हमारा, इसका हमने जो एडिशन प्रोसेस से बनाया। अब इसका आंसर हम देंगे, ये आएगा जी थ्री सिक्स फाइव थ्री फोर एंड माइनस वन सेवन एंड फोर एंड थ्री। ये जी हमारी एक साइड का आंसर निकल आया, लेफ्ट हैंड साइड का बी प्लस ए करने के बाद जब ए से प्लस किया तो आंसर ये निकला। ठीक है, अब हम चलते हैं जी दूसरी साइड पे। हम इसको यहाँ पर इस ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन है इसको सेव कर लेते हैं, बाकी हम सारा रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमारा है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू टू ए एन प्लस बी, टू ए प्लस बी। इसमें हम ये वाला ऑपरेशन है जी हमारा, सबसे पहले हम टू लिखा फिर ए एन प्लस ये जी हमारा आ गया बी। अब ए हम लिखते हैं यहाँ पर वन टू वन टू थ्री माइनस वन थ्री वन ज़ीरो और बी हमारे पास है जी वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू वन और वन टू थ्री। अब करना हमने क्या, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टू को मल्टीप्लाई करना है जो आंसर आएगा, फिर हमें इन्हें ऐड करना है। ये ना हो कि आप लोग पहले प्लस कर दो बाद में मल्टीप्लाई करो, वो गलत होगा। हमें पहले मल्टीप्लाई करना होगा फिर ऐड करना होगा। तो ये टू को पहले इसे मल्टीप्लाई करें, टू वन ज़ार टू 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 ज़ार फोर टू वन ज़ार टू, यानी सबसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन ज़ार टू 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 ज़ार फोर टू वन ज़ार टू 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 ज़ार फोर टू थ्री ज़ार सिक्स माइनस टू सिक्स टू वन ज़ार टू एंड ज़ीरो। ये जी हो गया टू मल्टीप्लाई। अब हम इससे इसको वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू वन वन टू, तो ये आ गया जी थ्री। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो टू प्लस वन फोर माइनस वन सिक्स प्लस वन फोर प्लस टू सिक्स माइनस टू टू प्लस टू टू प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन एंड ज़ीरो प्लस। ये जी हमने इनको ऐड किया तो इनका रिज़ल्ट देखते हैं अब क्या निकलता है जी। यहाँ आ गया थ्री, यहाँ आ गया सिक्स, यहाँ आ गया फाइव, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, यहाँ माइनस वन, यहाँ सेवन, यहाँ फोर एंड थ्री। देखें जी यहाँ भी सेम रिज़ल्ट यही है और यहाँ भी यही। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो सो ऑपरेशन ए इट सो इट इज़ प्रूव्ड ए इंटू बी प्लस ए इक्वल है टू ए एन प्लस बी के। यानी अब ये चीज़ साबित हो गई कि वाकई में दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मीन टू साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। अब जी हमारे पास एक थर्ड ऑपरेशन एक रह गया है, वो हमने सॉल्व करना है, वो देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। वो है जी हमारे पास टू ए एन प्लस टू बी,
दूसरी साइड पे है जी 2 इंटू ए प्लस बी। हम लेफ्ट हैंड साइड से ही इसे सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी 2an प्लस 2b, यानी 2a प्लस 2b। हम इन दोनों को कंबाइनली ही स्टार्ट कर सकते हैं या अलग अलग भी, पहले सिंपली हम 2a फाइंड कर लें, फिर हम 2b फाइंड कर लें और फिर हम दोनों को ऐड करें। तो लेकिन चलिए ऐसे ही कर लेते हैं जी, पहले 2a, ये 2 आ गया और a है हमारे पास 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। इससे आप देखो कि अब ये 2 अंदर चला गया तो 2a का आंसर क्या होगा, 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 6 and -2 2 3 6 2 2 2 1 2 and 2 0। ये आ गया जी हमारे पास 2a। अब हमने निकालना है 2b, तो पहले 2 और फिर b। b हमारे पास है जी 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ये जी 2b, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 -2 -4 and 2 and 2 2 4 and 2 3 6। ये जनाब हमारे पास 2a और 2b दोनों निकला है। अब हम इनको ऐड कर देते हैं जी 2a प्लस 2b से। तो पहले हम लिख देंगे जी 2a का आंसर है 2 4 2 4 6 -2 6 2 0। ये थोड़ा सा जगह इसकी हमारी शॉर्ट है, ये जी आ गया 2 4 2 4 6 -2 6 2 0 और ये आ गया हमारे पास 2 4 6 -2 -4 and 2 2 4 6। इन्हें भी हमने ऐड ही करना है, तो वो कैसे होगा, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ ऐड कर देंगे, 4 को 4 से 2 प्लस 6 एंड 4 प्लस है अंदर -2 एंड 6 प्लस -4 एंड -2 प्लस 2 6 प्लस 2 2 प्लस 4 एंड 0 प्लस 0 प्लस 6। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ आ गया 4, यहाँ 8, यहाँ 8, तो 4 जी 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया, ये भी 6 भी प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 0, यहाँ जी 8, यहाँ 6 एंड 6। इन्हें हम सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाता है जी 4 8 8, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 0 8 6 एंड 6। ये है जनाब हमारा 2a प्लस 2b, उसका रिजल्ट हमारे पास ये आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका कि सेकंड पार्ट का आंसर क्या निकलता है। सेकेंड पार्ट हमारा है जी 2, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 और यहाँ a एंड प्लस b, यानी a प्लस b ब्रैकेट के अंदर है, हम पहले a प्लस b फाइंड करेंगे, तो जो आंसर आएगा उससे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएंगे 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ये जी होगी इनकी एंट्रीज। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं,
1 plus 1, 2 plus 2, 1 plus 3, 2 plus minus 1, 3 plus minus 2, and minus 1 plus 1 or 3 plus 1, 1 plus 2 or 0 plus 3. ये जी हमने इनको एडिशन में ले लिया, अब हम इन्हें सॉल्व कर देते हैं। ये जी 2, 4, 4 तो 2 है प्लस माइनस माइनस, 3 है प्लस माइनस माइनस एंड 0, यहाँ जी 4, 3 एंड 3। अब हम 2 को इन सब से तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8। यहाँ आ गया जी 2 माइनस 1 है तो 2 1 ज़र 2, यहाँ भी 1 है 2 1 ज़र 2, 2 0 ज़र 0, 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 6। ये जी हमारा ये आंसर आ गया। देखिए ये वाली एंट्रीज और ये एंट्रीज देखें बिल्कुल सेम है। इट मींस ये हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। सो इट इज प्रूव्ड दैट 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। इट मीन्स कि ये भी रिलेशन हमारा सेम निकला, जैसे हमारे पहले भी 2 रिलेशन थे वो भी उनमें भी एक्यूरेसी आई, तो ये थर्ड वाला भी। इट मीन्स कि अगर मल्टीप्लीकेशन सिम अलग अलग भी हो या कंबाइन हो तो मैट्रिक्स में उसका आंसर भी सेम ही आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा बेटा, आपने हमारी वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी? इसके बाद हमें जो हमारी वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करिए। अगर कोई इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो आपको समझ ना आए हों तो उस पर भी हमें कमेंट करिए। हम इंशाल्लाह आपकी वो तमाम प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उनको देखने के बाद हम मज़ीद उनके सॉल्यूशन के लिए मज़ीद अपनी वीडियो बना के तो अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे। उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको अनेबल करिए ताकि जो भी हमारी नई से नई वीडियोस आए वो आपको अपडेट उनकी मिलती रहे और हमारा आप लोगों से एक ताल्लुक रहे। तो इसके लिए जो हमारा चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।